जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टेपर कम्युनिटी में और आप सबको पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देखिए आज बेसिकली कल जो है वो वीडियो नहीं आ पाया था बिकॉज द प्लेस वेयर आई लिव यहाँ पर्व बहुत मैग्निफिसेंटली uh, सेलिब्रेट किया जाता है और उस वजह से द होल क्रैकर्स और जो सेलिब्रेशंस uh, थे उनकी एंड दैट वॉज अ वेरी गुड सेलब्रेशन वेविडली बट उसकी आवाज़ इतनी लाउड थी दैट आई कुड नॉट रिकॉर्ड द वीडियो आई रिकॉर्ड इट बट दैट वॉज नॉट क्लियर अभी भी आपको मे बी आवाजें आ रही होंगी बिकॉज़ क्रैकरस एंड ऑल सब कुछ पटाखे वटाखे अच्छे से चल रहे हैं बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू इट और uh, अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है पीछे से आई एम ट्राइंग कि आपको ना ही आए आवाज़ साउंड करेक्शंस यूज़ कर रही हूँ बट स्टिल इफ यू फाइंड इट दैन प्लीज़ थोड़ा सा बेयर कीजिएगा right, और uh, इफ़ पॉसिबल अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाई तो आई विल क्रिएट सम स्मॉल वीडियो बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवाज़ आ रही है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम टू कोप कोप इट अप विद ओके देखिए इसे स्टार्ट करें से पहले एक इन्फॉर्मेशन कि हमने साइंस की घटना चक्र स्टार्ट की थी सो एल सी की अगर आपके रिस्पॉन्स uh, आ रहे हैं कि मतलब यू नीड इट नाव तो फिर हम उसको अभी कंटिन्यू करेंगे मैं तीनों वीडियोज़ अभी लेके आऊँगी बिकॉज आई एम वॉट आई एम लुकिंग सिंस लास्ट यू नो मंथ और वुड से दीपावली के बाद कि जो व्यूज़ हैं व्यू रेट कम हुआ है सब्सक्राइबर रेट कम हुआ है या तो आप विजिट नहीं कर रहे हैं या फिर अभी इंटरेस्टेड नहीं है देखने में जो भी है तो इट टेक्स लॉट फॉर मी बिकॉज आई हार्डली गेट वेरी लेस टाइम और उसमें मैं बाकी सारी चीज़ें छोड़ के ही करती हूँ तो इनकेस इफ यू आर नॉट इन दैट मोड की अभी आपको देखना है तो फिर हम एक्स्ट्रा पोस्ट uh, अभी करने का uh, मतलब लाइक आई थिंक फिर हम दो वीडियोस को ही स्टिक कर सकते हैं बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है देन वाई टू टेक एक्स्ट्रा एफर्ट बिकॉज आई एम ऑलरेडी टेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट एंड आई वाज ट्राइंग टू टेक मोर एक्स्ट्रा एफर्ट मैं एक और पैल वीडियो चलाना चाह रही थी ऑफ पॉलिटी ऑल्सो बिकॉज आई आव स्टार्टड विद साइंस एंड आई वॉज थिंकिंग कि पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे जिससे कि आपका जो आ, आज एग्जाम डेट भी आ गई है यूपी की तो कल ही आ गई थी और वो एग्जाम डेट के हिसाब से दिसंबर में एग्जाम होना है वन डे एग्जाम ही है बाकी चीज़ें वही हैं बट दिसंबर में एग्जाम होना है सो आई वॉज थिंकिंग कि तब तक हम कम्प्लीट कर देंगे एंड दिस वॉज माई गोल बेसिक जो हमारी छः घटना uh, 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 चक्र वो एंड अलॉन्ग विद दिस घटना चक्र करेंट अफेयर्स ये हम कम्प्लीट करेंगे बट वॉट आई एम सींग्स इन लास्ट आई थिंक ट्वेंटी डेज ऑफ मोर कि ना तो व्यूज़ हैं ना सब्सक्राइबर्स हैं दैट मीन्स इधर यू आर नॉट वॉचिंग और यू आर नॉट इंटरेस्टेड वॉट एवर इट इज़ बट आई विल कीप माई प्रॉमिस मैं कम्प्लीट करूँगी बट अगर uh, कम देख रहे हैं लोग या नहीं देख रहे हैं देन आई आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ट कि मैं अपनी नींद भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ इसके लिए सो आई विल नॉट डू दैट आई विल स्टिक टू द टू वीडियोज़ ओनली इन दैट केस हाँ अगर आप चाहते हैं दिस इज़ नॉट बिकॉज आप नहीं देख रहे हैं आप मे भी अब बाद में देखें दैट इज़ अप टू यू वो आपके ऊपर है सबका अपना स्केड्यूल है एग्जाम पास है बट अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ठीक है मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड आई विल कीप माई प्रोमिस टू माई सेल्फ आई विल डू आई विल कंप्लीट एवरीथिंग बट आई स्टिक टू द टू वीडियोज़ इन दैट केस एंड इफ़ यू वॉन्ट वी शुड गो पैरले विद द अदर वीडियोज़ अगर किसी को भी ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इजिली कोई इशू नहीं है उसमें और वी विल स्टार्ट विद आई विल ट्राई टू कोप अप विद दैट ठीक है ओके सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़ विज्ञान धारा एंड बायो ई थ्री सो ट्वेंटी फोर्थ ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को यूनियन कैबिनेट ही इट वॉज चेयर बाय पी एम नरेंद्र मोदी दे अप्रूव द स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेमली विज्ञान धारा एंड बायो ई थ्री ठीक अब आपको ये देखना है कि है क्या विज्ञान धारा और बायो ई थ्री जो हैं ये क्या है सो so ये जो स्कीम है ये तीन अम्ब्रेला स्कीम्स को कंसॉलिडेट कर रही है एक में कौन सी अम्ब्रेला uh, न, science, तीन अम्ब्रेला स्कीम जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की तीन अम्ब्रेला स्कीम्स को एक में कर रही है और इनका बजट जो है वो दस हज़ार फाइव सेवेंटी नाइन पॉइंट एट फोर करोड़ का है दो हज़ार इक्कीस बाईस से पच्चीस छब्बीस तक ये चलेगी इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन के साथ इसको अलाइन किया जा रहा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो uh, विज्ञान धारा स्कीम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू प्रमोट द कैपेसिटी बिल्डिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज एडवांस रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट द स्कीम एम्स टू क्या मतलब स्कीम का एम क्या है कि जो साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है एस टी आई इको सिस्टम है उसको और ज्यादा मजबूत बनाया जाए देश में uh, तीन ब्रॉड कॉम्पोनेंट्स हैं विज्ञान धारा के साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट बायो ई थ्री के बारे में बात करते हैं ये तो बात की हमने विज्ञान धारा के बारे में इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का जो कल्चर है उसको बढ़ाया जाए बायो ई थ्री की बात करें तो बायो ई थ्री का मतलब बायो से बायो टेक्नोलॉजी ई थ्री मतलब हो गया इकॉनमी एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सो ये जो पॉलिसी है वो हायर परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को फोस्टर करने के लिए बेसिकली ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी और इसको अप्रूवल मिल गया अगस्ट ट्वेंटी फोर को इसका मेन फोकस रहेगा ऑन एडवांसिंग द हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग जिसमें आपके बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है ना अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज इसके साथ ही ये जो पॉलिसी है एट अलाइंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज़ जैसे कि नेट ज़ीरो कार्बन इकॉनमी अचीव करना एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू अ सर्कुलर बायो इकोनॉमी बायो ई थ्री पॉलिसी एम्फेसाइज कर रही है एम्फेसाइज द फोस्टरिंग इनोवेशन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ऑन्टरप्रिनरशिप नेक्स्ट है तो ये हो गई हमारी दो पॉलिसीज विज्ञान धारा स्कीम और बायो ई थ्री सो बायो ई थ्री इज क्या है इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नेक्स्ट देखते हैं कृषि कृषि डीएसएस सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है डिजाइन किया गया इंडियन एग्रीकल्चर के लिए लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सोलह अगस्त दो हजार चौबीस को यह लॉन्च हुआ है इट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर विच इज अनाउंस बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन इन द बजट स्पीच द कृषि डी एस एस विल फंक्शन एज अ डिपॉजिट्री ऑफ स्टैंडर्डाइज जियो स्पेशल डेटा ऑन ये एक स्टैंडर्डाइज जियो स्पेशल डेटा प्रोवाइड करेंगे किस पर वेदर सॉइल क्रॉप रेजर्वायर एंड ग्राउंड वाटर ठीक है वेदर पे सॉइल पे वहाँ की क्रॉप फिर रिजर्वायर्स जो हैं और ग्राउंड वाटर डेटा ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी साथ ही साथ ही इंटीग्रेट करेंगे द डेटा रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सर्विसेज वन नेशन वन सॉइल इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पे भी वन नेशन वन बेसिकली वन का जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया सो वन नेशन वन सॉइल इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ कृषि डी एस एस ये एक कॉम्प्रहेंसिव सॉइल डेटा प्रोवाइड करेगा एंड विद एम्बेडेड इंफॉर्मेशन ऑन सॉइल टाइप सॉइल पी एच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन सॉइल हेल्थ एक्सेट्रा ये लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस ड्रिवन सोल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया एंड ऑर्गेनाइज बाय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री राइट सो right. so, इसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था वन नेशन वन सॉन सिस्टम तो ये इसका मेन आप एक टैगलाइन uh, के तौर पर भी याद कर सकते हैं कि uh, ये इसमें आपका रहेगा एस एस एल पी डी थ्री एस एस एल पी डी थ्री जीरो सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इन्होंने लॉन्च किया एस एस दीयूएस जीरो एट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन बोर्ड द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एस एस एल वी डी थ्री ठीक हैटली इन्होंने इसको बेसिकली ऑन बोर्ड किया देखिए इसको लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोट यू एस एट सेटेलाइट मिशन के बारे में देखते हैं इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन विच इज़ बिल्ट ऑन स्टैंडर्ड इसरो माइक्रोसेट आई एम एस वन बस विद्यूट ऑफ एडवास पे लोड्स फॉर ऑब्जर्वेशन इन द आई आर रेंज अनोवल जी एन एस एस आर पे लोड एंड एस आई सी यू वी डोजीमीटर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका ऑफ द मिशन इज डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्या डिज़ाइन डेवलप करेंगी ये पे लोड इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉम्पैटेबल विद माइक्रो सैटेलाइट बसेज एंड विद न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर ऑपरेशनल सेटेलाइट साथ ही साथ माइक्रो सैटेलाइट अकोमोडेटिंग न्यू मेन फ्रेम टेक्नोलॉजीज लाइक इंटीग्रेटेड एविओनिक्स पैकेज स्ट्रक्चरल पैनल विद एम्बेडेड पी सी बी बैटरी और फ्लेक्जिबल सोलर पैनल एंड एम डी जी ए तो बेसिकली ये क्या है जो ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का इज़ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स जो कि माइक्रो सैटेलाइट वगैरह वाली चीज़ों के साथ कंपैटिबल हो और साथ ही नई टेक्नोलॉजीज भी जो फ्यूचर ऑपरेशन सेटेलाइट्स के लिए ज़रूरत हो उसके साथ काम करेंगे दूसरा ये माइक्रो सैटेलाइट अकोमोडेटिंग मेन फ्रेम टेक्नोलॉजीज जैसे कि इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स पैकेज हो गया स्ट्रक्चरल पैनल विद एम्बेडेड पी इन सब पे भी काम करेंगे ये सैटेलाइट जो है इट कैरीज थ्री पेलोड्स पहली का नाम है इलेक्ट्रो ऑप्शनल इंफ्रारेड पेलोड ई ओ आई आर दूसरा है सैक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम सेटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड जी एन एस एस आर और तीसरा है सैक एंड एस आई सी यू वी डोजीमीटर लियो सो ई आई आर पेलोड जो है वो क्या करेगी इस टू इमेज द मिड वेव आई आर एम आई आर तो ये क्या इसकी इमेजिंग जो होगी वो मिड वेव आई आर की होगी आयर बैंड की एंड लॉन्ग वेव आई आर की भी होगी द दो बैंड इसमें कवर की जाएंगे मिड वेव आई आर बैंड और लॉन्ग वेव आई आर बैंड ड्यूरिंग द डे एंड नाइट फॉर वेरियस एप्लीकेशन जैसे कि सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस डिजास्टर मॉनिटरिंग एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग फायर डिटेक्शन वोकैनिक एक्टिविटीज इंडस्ट्रियल पावर प्लांट डिजास्टर्स तो ये इस सारी इसमें एक्टिविटीज जो हैं वो देखी जाएंगी मिशन कॉन्फिग्रेशन द स्पेस क्राफ्ट मिशन कॉन्फिग्रेशन इज सेट टू ऑपरेट इन अ सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ फोर सेवेंटी फाइव किलोमीटर विद एन इंक्लीनेशन ऑफ थर्टी सेवन पॉइंट फोर डिग्री एंड हैज़ अ मिशन लाइफ ऑफ वन ईयर तो इसका मिशन लाइफ जो है वो एक साल का रहेगा ऑल्सो ऑन बोर्ड फॉज द एस आर जीरो डेमोसेट डेवलप बाय स्पेस किड्स इंडिया जो कि विच इज़ ऑल्सो प्लेस्ड इन द इंडेप्ट इंटेंडेड ऑर्बिट ठीक है तो बेसिकली ये इनका काम रहेगा एस एस एल वी डी थ्री यू एस एट मिशन का तो ये इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स स्टैंडर्ड इसरो का ये मिशन है और ये इनका बेसिकली दो चीज़ों पे फोकस रहेगा कि ये डिज़ाइन और डेवलपमेंट करेंगे नई टेक्नोलॉजीज का साथ ही ऐसी चीज़ें कॉम्पैटबल जो माइक्रो माइक्रोसेटेलाइट के साथ कॉम्पेटिबिलिटी रखती हैं इन सारी चीज़ों को डेवलप करने में हेल्प करेंगे नेक्स्ट देखते हैं रैपिड अपॉफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी रैमसिस सो इसरो जो है उसने रिसेंटली डिस्क्लोज किया है दैट इट इज़ सीकिंग टू कोलाबरेट विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी तो इसरो हैज़ रिसेंटली वो ई एस ए के साथ कोलेबोरेट करना चाह रहा है अपॉप्सिस्ट एस्टेरॉइड दैट इज रिलेटेड टू मेक अ क्लोज एनकाउंटर विद द अर्थ इन 2029 की पॉइंट्स देखते हैं रैमसेस इज अ प्लैनेटरी डिफेंस मिशन बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी विच इज डिजाइन टू इंटरसेप्ट एस्ट्रॉइड ट्रिपल नाइन फोर टू अपॉफ्सिस एंड अ कंपनी इट ड्यूरिंग द एक्सेप्शनली क्लोज फ्लाई बाई ऑफ अर्थ इन ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन तो ये क्या है एक का प्लानेटरी डिफेंस मिशन है किसके द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ठीक है यह हमने देखा ना रैमसेस मतलब रैपिड एपॉफसिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी तो ये ई एस ए का मिशन है अब ये बोल रहे हैं कि ये प्लानेटरी डिफेंस मिशन है मतलब अपने प्लानट के डिफेंस के लिए है कौन शुरू कर रहा है इसको ई एस ए शुरू कर रहा है किस लिए डिज़ाइन किया गया है टू इंटरसेप्ट द एस्ट्रॉइड अपॉप्सिस तो जो ए, एक अभी आ, बोला गया है कि भाई ये जो अपॉप्सिस एस्ट्रॉयड है ये टकरा सकता है ठीक है तो उससे रोकने के लिए उसके एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे ये प्रोग्राम आया है अपॉप्सिस जो कि अप्रोक्सीमेटली 375 मीटर डायमीटर में है वो पास करेगा विद इन थर्टी किलोमीटर ऑफ अर्थ सर्फेस कब पास करेगा तेरह अप्रैल दो को और ये क्लोजेस्ट अप्रोच होगी किसी भी एस्ट्रॉयड की टकराने का तो नहीं मतलब बिल्कुल नियर बाय सो क्लोजेस्ट अप्रोच होगी किसी भी एस्ट्रॉयड की इस साइज़ के दैट ह्यूमैनिटी हैज एवर प्रिडिक्टेड इन एडवांस ठीक है अभी तक मतलब इतना एडवांस में प्रिडिक्शन नहीं किया गया है किसी का फॉर अ ब्रीफ पीरियड अपॉफिस जो है वो विजिबल भी होगा नेकेड में अंडर द क्लियर डार्क स्काइज टू अबाउट टू बिलियन पीपल कहाँ कहाँ देख सकता है यूरोप अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ एशिया एनी जब दो में ये होने वाला होगा तो ऑब्वियसली उस टाइम पर न्यूज़ अराइज़ होगी कि कहाँ कहाँ दिख रहा है तो अभी से मत परेशान होना कि भाई मैं तब देख पाऊँगा कि नहीं देख पाऊँगी नहीं सो so, ठंड रखिए जब आएगा तब पता चलेगा बट अभी आपको ये याद रखना है कि अपॉफ्सिस क्या है तो अपॉफसिस एक एस्ट्रॉयड है जो नियर बाय बिल्कुल निकलेगा और पहली बार इतना बड़ा जो एक एस्ट्रॉइड हो जानकारी हमें पहले से लगी है इसके लिए जो डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे मिशन के तौर पे जो चीज़ शुरू की गई है वो रैमसेस है जो कि ई की है और इसरो जो है उसके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहा है एच वैक्सीन यूजिंग एम सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उनतीस जुलाई दो को अनाउंस किया था एक नया प्रोजेक्ट टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंजा एवियन इन्फ्लुएंजा एच फाइव एन वन मैसेंजर आर एन ए वैक्सीन और ये जो प्रोजेक्ट है ये पर्टिकुलरली फोकस कर रहा है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ पे uh, ये जो नया प्रोजेक्ट है इट हज़ लॉन्च टू एक्सेलेट द डेवलपमेंट एंड एक्सेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी ऑफ एच फाइव एन वन एम आर एन ए वैक्सीन फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज सिर्जियम बायोटेक ये एक अर्जेंटीनियन मैन्युफैक्चर है इट इज़ द लीडिंग लीडिंग दिस प्रोजेक्ट और ये जो इनिशियेटिव है ये डब्ल्यू एच ओ का ही एक है एंड मेडिसिन पेटेंट पूल और एम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोग्राम तो इनका मिलके एक इनिशिएटिव शुरू किया गया ये जो प्रोग्राम है एम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये ये जॉइंटली लॉन्च किया था डब्ल्यू और एम ने ठीक है तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए प्री में भी हो सकता है कि एम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोग्राम क्या है तो ये जॉइंटली शुरू किया गया था डब्लू और एम के द्वारा दो में और इसका जो एम था दैट वाज टू बिल्ड वैक्सीन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी इन एल मतलब कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में वैक्सीन uh, डेवलपमेंट का काम बढ़ाना और प्रोड्यूस करना तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट uh, है नेक्स्ट इज नासास चैपिया प्रोजेक्ट तो 6 जुलाई 2024 को चार वॉलेंटियर क्रू मेंबर्स नासा के जो हैं मार्स मिशन के सिमुलेशन मिशन दे इमर्ज आफ्टर अ ईयर ऑफ लिविंग इनबिटेड रेप्लीकेटिंग द रेड प्लानट दे आर ऑल द पार्ट ऑफ नासास क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस तो ये किसका पार्ट है नासास क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एंड एनलॉग चैपिया प्रोजेक्ट दे आर द पार्ट ऑफ चैपिया प्रोजेक्ट क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एंड एनालॉग लोकेशन इसकी देखें तो जॉनसन स्पेस सेंटर हाउस्टन टेक्सस और नासा ने क्रिएट किया है एक थ्री डी प्रिंटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड मार्स ड्यून एल्फा विच इज़ लोकेटेड एट जॉनसन स्पेस सेंटर इन हाउसटन टेक्सास यूएसए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्स दिस चैपिया प्रोजेक्ट सो इन्होंने क्या किया है एक थ्री डी प्रिंटेड स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसका नाम है मार्स ड्यून एल्फा किसने शुरू किया है नासा ने क्रिएट किया है और ये थ्री डी प्रिंटेड स्ट्रक्चर है जिसका नाम है मार्स ड्यून एल्फा ये कहाँ पर लोकेट है जॉनसन स्पेस सेंटर हॉस्टन टेक्सास में फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चैपिया प्रोजेक्ट ठीक है सो चैपिया क्या है क्रू हेल्थ परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनाग अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का इट इज़ टू सिमलेट लिविंग कंडीशन ऑन मार्स तो मार्स पे लिविंग कंडीशन को सिमुलेट करना इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है एंड स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन ऑन क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ठीक है तो जब लॉन्ग ड्यूरे जैसे कि आपने अभी रिसेंटली कल या परसों में देखा होगा कि एक फोटो वायरल हो रही है सुनीता विलियम्स जी की एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन्स वो धरती पर आ नहीं पाई थी शी वॉज अबाउट टू रीच बट नहीं आ पाए थे एंड शी हेज़ टू स्टे और अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से वो शायद फेब्ररी तक अभी और उनको रहना पड़े सो यू कुड सी दैट पिक्चर एंड शी इज़ लुकिंग वेरी वेरी वीक उनका जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम दिख रहा है बिकॉज जो स्पेस में देखिए नॉर्मल फूड जो आप यहाँ पे खा रहे हो वो सब तो कुछ अवेलेबल होता नहीं है और उनके लिए स्पेशल काइंड ऑफ ग्रेविटी नहीं है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं है आपको नॉर्मल जो आप रोज़ खा रहे हो आपको सारी चीज़ें मिल नहीं पा रही विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी टू यू नो टू एग्जिस्ट और आप उनकी कंडीशन देख के लगेगा कि शी इज़ इन अ स्टेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन सो so, uh, बहुत कंसर्न्स दिखाए जा रहे हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट कि कंसर्न दिखाने वाली चीज़ है शी इज़ एट सम प्लेस हम लोग सोचते हैं कि अरे हम uh, किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ खाने को नहीं मिलेगा शी इज़ नॉट इवन ऑन अर्थ ओके सो बेसिकली वो एक रू हेल्थ ही है ना और उनको किसी वजह से वहाँ पर रहना पड़ रहा है एंड uh, तो उनकी हेल्थ कंडीशंस जो हैं वो बहुत डिट्यूरेट uh, होती हुई लग रही हैं ऑल दो उसके बारे में कोई अभी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है बट जो फोटो रिलीज हुई है जो वायरल हुई है उसके हिसाब से यही कयास लगाए जा रहे हैं सो ये बेसिकली उसी पर है कि जो लॉन्ग रेंज लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन होते हैं उनका क्या फ़र्क पड़ता है क्रू की हेल्थ और परफॉर्मेंस पे मार्स ट्यून अल्फा एक थ्री डी प्रिंटेड एयरलॉकड हैबिटेट है ठीक है तो मार्स ट्यून अल्फा है क्या एक्चुअली सो ये एक थ्री डी प्रिंटेड एयरलॉक्ड हैबिटेट है 1700 स्क्वायर फीट लिविंग स्पेस होगा इसमें इंक्लूडिंग बेडरूम्स बाथरूम्स वर्क एरिया रोबोट स्टेशन जिम वर्टिकल फार्म और एक एडिशनल 1200 स्क्वायर फीट स्पेस फॉर एक्स्ट्रा वहीक्युलर एक्टिविटीज सिमुलेटेड मार्शियन सॉयल एंड बैकड्रॉप ऑफ रेड रॉकी क्लिफ्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर इमर्सिव एक्सपीरियंस आप समझ रहे हैं सत्रह स्क्वायर फीट की जगह ठीक है ऑलमोस्ट एक डिसेंट जो फ्लैट की जगह होती है एंड डिसेंट ऐ ऐसे कि हाँ आजकल डिसेंट यही है अब पुरानी बात करें हम लोग जो हमारे रूट्स जुड़े हुए हैं गाँव से तो वहाँ तो स्क्वायर फीट का तो हिसाब ही नहीं होता है बट आजकल जो डिसेंट है वो बहुत ही एक डिसेंट घर बोला जाता है भाई सत्रह सौ स्क्वायर फीट इस बिग प्लेस फॉर अ डिसेंट हाउस और इतना लिविंग स्पेस है इसमें इसमें आपकी सारी सुविधाएं हैं और उसके अलावा एक एडिशनल बारह सौ स्क्वायर फीट का स्पेस एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी दिया गया है सिमुलेटेड मार्शियस मार्शियस ऑइल मतलब मार्स का सॉइल uh, जो है विद बैकड्रॉप ऑफ रेड रॉकी कलिप्स भी वहाँ पर प्रोवाइड uh, की गई जिससे कि आपको एक्सपीरियंस फील हो अब एम क्या है इस मिशन का नाशा एम्स टू कलेक्ट डेटा ऑफ इंसाइट इं द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन टू मार्स ऑन क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस और फिर यहाँ से वो समझेंगे कि क्या एक तो परफॉर्मेंस जो क्रू की हेल्थ है परफॉर्मेंस पे पर उससे क्या फर्क पड़ता है दूसरा दे विल अंडरस्टैंड काउंटर द फिजिकल मेंटल चैलेंजेस जो कि एस्ट्रोनॉट्स को फेस करनी पड़ती है ठीक है तो ये एक तरीके से मार्स ट्यून अल्फा जो है वो थ्री डी प्रिंटेड एडलॉग हैबिटेट अभी बनाया गया है यहाँ पर रखेंगे स्टडी करेंगे मेंटल फिजिकल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं कैसे काउंटर किया जा सकता है ये सब इस पर ध्यान दिया जाएगा नेक्स्ट देखते हैं देखिए आई एम लुकिंग बिकॉज़ यहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है इट इज़ वेरी नॉइजी एंड अगेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यू नो टू रिकॉर्ड बट आई एम थिंकिंग कि इतना हम कर लेते हैं फिर कल से तो नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ आज एक फेस्टिवल है एंड इट इज़ अ बिग फेस्टिवल है सो इट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड ऑल दो आई वॉज नेवर इन फेवर ऑफ क्रैकर्स नॉर इन दिवाली ड्यूरिंग द दिवाली टाइम नॉर ड्यूरिंग एनी फेस्टिवल बिकॉज देखिए कुछ भी हो क्रैकरस आर समथिंग जो इट इज़ नॉट गिविंग अ प्लेजर टू यू इन आपकी हेल्थ और ज़्यादा डिटोरेट करते हैं खासकर जो लोग बच्चे हैं और जो एक पर्टिकुलर uh, एज में है एंड ऑल्सो द यंग पीपल जिनको कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं हेल्थ के सो इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर एनी वन ऑल दो बट ओके वी के नॉट डू एनी थिंग फॉर दिस दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड एट पर्सनल लेवल एट इंडिविजुअल लेवल ओनली सो एनी वेज देखते हैं नेक्स्ट इंडिया शॉर्टलेस्ट एस्ट्रोनॉट्स फॉर एक्जियम फोर आई एस एस मिशन सो इंडिया सेलेक्टेड द ग्रुप कैप्टन सुभाषु शुक्ला ठीक है इंडिया ने सिलेक्ट किया द ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला एज द मेन पायलट एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर एज द बैकअप पायलट फॉर द एक्जियम फोर मिशन अभी एक्जियम फोर मिशन क्या है मैंड मिशन है कहाँ पर जा रहा है आई एस एस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सो मिशन मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइल स्टोन इन इंडियाज़ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ये कोलेबरेट कर रहे हैं यू एस के साथ हम एग्जीम फोर फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनोट मिशन है आई एस एस में विच इज़ अ पार्ट ऑफ इसरो नासा पार्टनरशिप प्लान ड्यूरिंग पी एम मोदीज यू एस विजिट इन जून ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अ स्पेस फ्लाइट एग्रीमेंट विद एगजियम स्पेस इंग सपोर्ट्स मिशन ठीक है तो अभी फिलहाल जो न्यूज़ है वो ये है कि पहले तो आपको याद रखना है एग्जियम फोर मिशन क्या है सो so, इसमें हम क्या कर रहे हैं इंडियन जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये मैंड मिशन है ये कहाँ जा रहा है आई एस एस पे जा रहा है इसके लिए चार लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया है सॉरी uh, इसके लिए मतलब uh, शॉर्टलिस्ट कर लिए गए एस्ट नोट्स कितने किए हैं वो पता चलेगा बाकी जो इसको अभी सिलेक्ट करने में जो दो हेड कर रहे हैं वो हैं मेन पायलट जो हैं वो शुभांशु शुक्ला जी हैं और ग्रुप पायलट हैं प्रशांत बालकृष्ण नायर इंडिया ग्रफ़ीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर आई जी ई आई सी सो फोर्थ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई टी मे इन्होंने इंडिया ग्रेफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर आई जी ई आई सी लॉन्च किया अंडर द विकसित भारत एट 2047 फोर्टी सेवन मिशन आई जी ए आई सी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है विच फोकसेज ऑन ग्राफीन टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन इन सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी स्टोरेज हेल्थ केयर सस्टेनेबल मटीरियल्स आर एंड डी सेंटर इन त्रिवेंद्रम केरला विद अ बिजनेस हब इन बैंगलोर एंड अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पलक्कड़ ये केरला गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है ठीक है तो इसके साथ ही इन्होंने लॉन्च किया सो इंडिया ग्रेफिन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आई uh, ने लॉन्च किया है इसको अंडर द विकसित भारत एट द रेट ट्वेंटी विजन नेक्स्ट देखिए 2024 ट्वेंटी एडिशन ऑफ चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल सो चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल एक कॉन्फ्रेंस uh, हुआ ये कहाँ पर हुआ यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस में होता है ये को ऑर्गेनाइज किया गया इंडियाज ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड यूनेस्कोज नेचुरल साइंस सेक्टर लॉन्च किया गया ड्यूरिंग इंडियाज जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड सी एस ए आर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर गैदर्ड चीफ साइंस एडवाइजर्स फ्रॉम ट्वेंटी नाइन कंट्रीज एंड एट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो उनतीस कंट्रीज और आठ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से चीफ साइंस एडवाइजर्स जो हैं वो यहाँ पर बुलाए गए और इसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द इंडियाजी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि इसको लॉन्च किया गया क्योंकि इंडिया उस टाइम पे जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी कर रही थी इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है थीम थी इसकी पोस्टिंग ओपन साइंस ब्रिजिंग नॉलेज एसिमेट्री एंड बिल्डिंग ग्लोबल साइंस एडवाइस एडवाइस कैपेसिटी इवेंट को को चेयर किया गया इंडियाज प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद एंड यूनेस्कोज डॉक्टर लिडिया ब्रिटो नेक्स्ट इज जियो ब्रेन जियो ब्रेन क्या है सो ऑगस्ट ट्वेंटी नाइन को एक फोर्टी सेवेंथ एनअल जनरल मीटिंग होती है रिलायंस इंडस्ट्रीज की मुकेश अंबानी ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया ए इनिशिएटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव दैट इज जियो ब्रेन अब जियो ब्रेन क्या है इट इज़ अ सेट ऑफ ए टूल्स डिज़ाइन टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशेंसी एंड कस्टमर एंगेजमेंट अक्रॉस द रिलायंस बिजनेस ये इनिशिएटिव का एम है टू इंटीग्रेट एआई इनटू कंपनी ऑपरेशंस फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग एंड डीपर कंज्यूमर राइट्स बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अभी इन्होंने ये जो लॉन्च किया कंपनी के, के पर्स्पेक्टिव से लॉन्च किया है ज़्यादातर सो जियो ब्रेन अब जियो ब्रेन पूछा जा सकता है तो आप ये ऑप्शन मे भी अगर पूछेंगे तो आई डोंट थिंक कि इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए बिकॉज अभी पब्लिक की यूटिलिटी के लिए डायरेक्ट पब्लिक यूटिलिटी के लिए शायद ये नहीं है बट कन्फ्यूज़ uh, अगर कर सकते हैं तो बस वही कर सकते हैं कि भाई जियो ने एक नया आर्टिफिशल uh, ब्रेन बना दिया है आ, मतलब जो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है कुछ भी है में तो कुछ भी कर सकते हैं तो आपको ये याद रखना है बेसिकली एक ए टूल है फिलहाल ठीक है बाकी जो भी ऑप्शन है आप एलिमिनेट कर दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ए आई पी आई सो ए आई इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी इतने यहाँ पे क्रैकर्स फूट रहे हैं कि मुझे अप, अपनी ही आवाज़ नहीं आ रही है आई एम एफ सॉरी आई एम सो सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस जून ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को आई एम एफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स लॉन्च किया तो अब एक तो आपको याद रखना है लॉन्च रिलीज किसने किया सो इट वॉज रिलीज बाई आई एम एफ आई हैव क्लोज ऑल द विंडोज डोर्स उसके बाद भी इतना इट इज़ कैरिंग इट एनी वे सो ये कंट्री की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए हम इसी पर ये ख़त्म करेंगे वीडियो ये लास्ट न्यूज़ रहेगी एंड आई एम सो सॉरी आई एल कंटिन्यू इट टमोारो बिकॉज आई कैन नॉट डू इट मोर हाँ सो वी वर डिस्कसिंग दैट इट ट्रैक्स कंट्रीज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसीज़ इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन एथिक्स तो कुल मिला के ए का बेसिकली कहना का मतलब ये है कि प्रिपेयरनेस इंडेक्स ये चेक कर रहे हैं कि भाई ए तो यूज़ कर रहे हो आर यू इवन प्रीपेयर टू यूज़ इट सो ये सब सेवेंटी कंट्रीज़ को कवर है, आपको याद रखना है इंडिया की रैंक है बहत्तर सेवेंटी नेबर्स देख लें तो इंडिया की रैंक सेवेंटी है बांग्लादेश की वन है श्रीलंका की नाइन्टी है चाइना की थर्टी है सो चाइना इज़ अ हेड ऑफ़ इंडिया थर्टी कंट्रीज़ मोस्ट फॉर अभी के टाइम पे जो कंट्री सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड है एआई के लिए वो है सिंगापुर फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक इज़ डेनमार्क थर्ड इज़ यूएस तो यूएस थर्ड नंबर पर याद रखिएगा ठीक है ज़्यादातर इंडेक्स में क्या होता है कि बेसिकली uh, मतलब शुरू में टॉप थ्री कंट्रीज़ कुछ लिमिटेड होती हैं ये ये हम बात करें ए आई की ठीक सो ए में सिंगापुर फर्स्ट है सेकेंड डेनमार्क है थर्ड इज़ यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया कहाँ पर है इंडिया है सेवेंटी सेकेंड पर और लीस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में सबसे नीचे है साउथ सूडान उसके बाद सेकंड uh, नंबर पे हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान ए में एंड देन इट इज़ सी ए आर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ठीक है सो ए जो है इसमें चार डायमेंशंस कवर कर रहे हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसीज़ इनोवेशन एंड इकनॉमिक इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन एंड एथिक्स और इसमें कंट्रीज़ को कैटेगराइज किया गया है एडवांस इकॉनॉमिक कंट्रीज़ में देन इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी एंड लो इनकम कंट्री में और राइट सो इंडिया को इन्होंने किस पैरामीटर uh, में रखा है इन्होंने मेंशन नहीं किया है बट आई गेस इट शुड भी इन इमर्जिंग मार्केट इकॉनॉमी बट वी हैव टू चेक इट गेस नहीं चलता है एग्जाम में सिविल चेक इट आउट एंड विद दिस आई एल कंक्लूड द वीडियो हियर बिकॉज इट इज़ नॉट आई एम नॉट एबल टू यू नो कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ दिस एवरी थिंग सो एक बार फिर से आप सभी को गुरुपूर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ और देखिए ये त्यौहार सारे ही अच्छे होते हैं बट सस्टेनेबली uh, अगर हम करें तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो अच्छे बने रहें कोशिश ये करनी चाहिए बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और uh, आई बिलीव कि uh, हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि बस मेरे अकेले पटाखे ना चलाने से या मेरे अकेले पॉलिथिनस uh, यूज़ ना करने से या मेरे अकेले पानी वेस्ट करने से क्या हो जाएगा देखिए अकेले से एक अकेला फिर दो अकेले फिर तीन अकेले मिलके बहुत कुछ बना देते हैं सो कभी ये मत सोचिएगा कि आपके अकेले करने से क्या होगा आप इनिशिएटिव लो अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इनिशिएटिव लो अपने लिए ना सही तो अपने यू नो आपके घर पे जो लोग हैं उनके लिए लीजिए आपके माँ बाप जो भी हैं तो ये हमारा एक फ़र्ज़ होना चाहिए एज अ बोलते हैं ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ सो दीज आर वन सम फंडामेंटल ड्यूटीज जब ये बनाई गई थी तब ये सारी कंडीशंस नहीं थी धीरे 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 डिटोरेट हुई मे बी कभी फ्यूचर में इनके लिए चीज़ें बने बट ये हमारा सिविक सेंस भी होना चाहिए एंड ऑल्सो वी आर इन द प्रिपरेशन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यू नो एग्जाम्स ऑफ दिस कंट्री यू पी एस सी इज़ नॉट वन ऑफ दैट इज़ द टॉप मोस्ट exam, एग्जाम state स्टेट एग्ज़ाम और ये जो एग्ज़ाम्स हैं इनकी प्रिपरेशन करते हुए भी अगर हम अपने अंदर कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं तो फिर समाज में क्या बदलाव लेकर आएंगे जब हम बन भी जाएँगे तब भी एटीट्यूड हमेशा सेम रहता है देखिए है ना उसको आप समय के साथ आप ये बोलें कि नहीं एथिक्स यहाँ से आप पढ़ के गए एथिक्स में आपने बहुत अच्छे नंबर ला लिए ला दिए तो आप एथिकल हो गए ये ज़रूरी नहीं है बिकॉज तो हमने बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं सिविल सर्वेंट्स के ही जो यहाँ एथिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं बट वहाँ जाके डाउरी यू नो दैन डिफरेंट काइंड ऑफ सच शेमफुल एक्टिविटीज़ जिनको शायद कहीं कहीं बोला भी नहीं जा सकता है वो परफॉर्म करते हैं सो आई होप हम लोग जो इस कम्युनिटी के लोग हैं जो इस परिवार से जुड़े हुए हैं शार्पस्टेपर से जुड़े एटलीस्ट एज अ वेरी स्मॉल टोकन हम शायद ये प्लेज ले सकते हैं कि वी uh, विल डिलिबरेटली नॉट डू सच थिंग्स जो चीज़ें आगे परेशान करें सो एनी वेज आप रिवाइज करते रहिए अगर आप चाहते हैं कि जो दो और पैरेलल वीडियोस की मैं बात कर रही थी जो साइंस हमने स्टार्ट किया था उसको हम कंटिन्यू करें तो आप बताना पड़ेगा देखिए आपको ये मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं देना है आई वाज ऑलवेज विलिंग टू गिव बट मेरा थोड़ा डीमोटिवेटेड चीज़ हो जाती है बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट Uh, right now, it is taking a lot to me. I'm not saying every time, but right now, it is taking a lot. And uh, when it takes a lot, and you also willingly do it, I'm not missing i not And um, uh, because Sundays also I'm working, but uske baad bhi ye bhi main, uh, bhi I'm working. So it takes a lot to me, and um, I also need some support from you guys. सो इफ़ यू वांट वो रहे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड इफ यू डो नॉट वॉन्ट इड तो फिर हम लोग दो ही वीडियोज़ में चलेंगे मैं बंद इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट था और ये मैं पूरा करूंगी आपको बाद में ज़रूरत है बाद में देख सकते हैं और राइट सो ऑन दिस नोट आई विल जस्ट वील डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम टमोरो एंड आज यहीं पर इसको खत्म करते हैं तो so आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ लख लख बधाइयाँ गुरु की टेक केयर जय हिंद जय भारत